अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। तो ये था सैटरडे का दिन और हम लोग इवनिंग में तकरीबन 4:30 का टाइम था घर से निकल आए थे और आज हमारा काम था आइकिया में। तो हमें कुछ चाहिए था, किचन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी, कुछ बर्तन वगैरह नहीं लेकिन कुछ स्पेस की इशू आ रहे थे। हम लोग को थोड़ी सी जगह तंग फील हो रही थी किचन में, क्योंकि ओपन किचन था तो उसमें कैबिनेट्स काफ़ी कम होती हैं। तो मुझे उस किचन में थोड़ी सी स्पेस के लिए कोई छोटा ऐसा स्टैंड्स और कुछ शेल्फ चाहिए थी जो मुझे वहाँ पे इंस्टॉल करवानी थी। तो उसके लिए मैं आइकिया आई थी कि हम आइकिया चक्कर लगा देते हैं, क्योंकि आइकिया को तो कौन नहीं जानता। आइकिया होम फर्निशिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और वर्ल्ड वाइड इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं आइकिया की। तो ये है जी दुबई का आइकिया जहां हम आ चुके हैं, और यहां पे जो है ना आपको हर किस्म की चीज़ अवेलेबल मिलती है। चाहे आपको डेकोरेटिव आइटम चाहिए, होम से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, आपका लिविंग एरिया, आपको स्टडी रूम के लिए, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो है कि मेरी तरह के बंदे जो कि ऑनलाइन समझ भी नहीं आती और ऑनलाइन से उनका जो है ना वो क्या कहते हैं हमारी तरफ दिल सोटा नहीं होता, यानी दिल को तसल्ली नहीं आती, तो वो जो है जाके देख के अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऑनलाइन पर्सन नहीं हूँ, मैं तो ऑनलाइन एक चम्मच ना ख़रीद सकूँ चाहे वो कितने ही अच्छे डील में मिल जाए। मैं ऑनलाइन पर्सन नहीं हूँ, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख सकूँ कोई चीज़, क्योंकि आइकिया की मतलब ऑनलाइन वेबसाइट भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ऑनलाइन घूम रही थी। अमेज़ॉन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैं बहुत घूम घूम के ना आखिर मुझे यही समझ आई कि मुझे जा के देख लेना चाहिए एक बार कि क्या चीज़ कैसे फ़िट आएगी और उसकी मेयरमेंट्स वगैरह। हालाँकि ऑनलाइन भी मेयरमेंट आपको सारी लिखी हुई मिल जाती हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं थी कि मैं अपनी आंखों से देख के कोई चीज़ लूँ। और ऊपर से फिर आप जब आइकिया आ जाते हैं तो आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं आइकिया में कि अगर आपने कुछ एक माइंड में सोच लिया है तो वहाँ आके ना आपका माइंड चेंज भी हो जाता है, क्योंकि आपको और बेटर ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाते हैं कि आप अगर ये नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आपको सब पैक्ड होगा और आपको जो है ना एक आध कोई आइटम ओपन है जो आपको नज़र आ रहा है। उनका प्रॉपर शोरूम्स आइकिया के बने हुए होते हैं जो आपको प्रॉपर सेटअप्स के साथ हर चीज़ आपको दिखती है कि वो किस तरह लगा सकते हैं और किस किस आइडिया से आपको डिफरेंट होम डेकोरेटिव आइटम, होम की आपको डिफरेंट जो है ना सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। उन्होंने डिफरेंट सेटिंग्स करके ऊपर शोरूम बनाया हुआ है। तो खैर ये हम अभी पार्किंग में घूम रहे थे, क्योंकि आइकिया में आप वीकेंड पे आ जाएं तो बहुत ज़्यादा रश होती है। इवन वीकेंड के अलावा भी हम जब भी आए हैं तो हमें रश ही मिली है, लेकिन वीकेंड पे तो फिर बहुत ही तबाही होती है। तो बस इंटर होते ही यहाँ पे ये बच्चों के छोटे छोटे कोई इन्होंने इलेक्ट्रिक वो बनाए हुए थे, पांडा और जो है वो कैट थी और डॉग थी, तो बस बच्चे उसको देख के जो है ना वो खुश हो रहे थे कि जो है काफ़ी बच्चों को तो बस ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना। तो यहाँ पे ये है कि सिर्फ आइकिया नहीं है, आपको यहाँ पे पैन एमरल्ड्स मिल जाता है जो कि होम फर्निशिंग में काफ़ी उसका भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। आपको होम सेंटर मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल आइकिया के ऑपोजिट ही एस का बहुत बड़ा स्टोर है तो आपको वो भी मिल जाता है। तो यहाँ आके आपको बहुत सारे होम फर्निशिंग के जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो है यहाँ पे बेटी मेरी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि हम इस मॉल में बड़ा अरसे बाद आए थे क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली अगर आइकिया में ही कोई काम होता है तो हम आते हैं, वरना हम ज़्यादातर नहीं आते यहाँ। तो यहाँ पे यह है कि कैरफोर भी था और काफ़ी अदर ब्रांड्स भी थे कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ आइकिया ही आए हैं। तो खैर हमने बाहरी पार्किंग से एक कैरफोर ट्रॉली ले ली थी, तो आइकिया में आती उन्होंने हमें कहा कि अपना सामान भी और अपना बच्चा भी आप शिफ्ट करें ज़रा आइकिया की ट्रॉली में, केयरफुल ट्रॉली आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो खैर खाली ट्रॉली थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं ले जाने दी, तो खैर हमने उनकी ट्रॉली ले ली और फिर हम आइकिया में इंटर हो चुके हैं। और अब ये जो है ये इनका ग्राउंड फ्लोर पे मींस सेकंड फ्लोर पे जो आइकिया है उसका ये इनका फर्स्ट फ्लोर ये है, और जो इनके शोरूम है वो इससे ऊपर के फ्लोर पर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा एज अ स्टोर मिलेगा, यहाँ पे आपको हर चीज़ पैक्ड मतलब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उनका बहुत बड़ा स्टोर रूम है जहाँ हर चीज़ आपको पैक्ड मिलती है।
यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने यहाँ पे सामने सेटअप पे लगाई हुई थी, लेकिन ये मोस्टली आपका सारा स्टोरेज था। तो हम फिर स्टोरेज एरिया से हमें, क्योंकि यहाँ तो स्टोरेज एरिया में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना कुछ समझ आ रही थी कि यहाँ पे कौन सा स्टैंड है क्या, तो उसके लिए फिर हमें ऊपर जाना था, ऊपर शोरूम के लिए। यहाँ देखिए आप, बस सिर्फ आउटडोर सेटअप्स थोड़े बहुत इन्होंने यहाँ लगाए हुए थे कि आप आउटडोर सिटिंग्स, डाइनिंग कैसे मतलब लगा सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए थे। और कुछ बर्तन और कुछ जो है वो फ्लावर्स या डेकोरेटिव आइटम थोड़े थोड़े साइड पे पड़े हुए थे। तो ये हम इस साइड पे लिफ्ट के लिए आ गए थे, क्योंकि ये आपको ऊपर शोरूम वाली साइड ले जाती है। तो जी अब स्टार्ट होता है इनका ये शोरूम एरिया। यहाँ पे आपको मतलब हर चीज़ यहाँ से, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे यहाँ साइड रैक्स में पड़ी हुई हैं, वो तो आप उठा के ले सकते हैं। बाकी अगर आपको शोरूम की कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसकी पिक्चर ले लें और आप जाके नीचे स्टोरेज एरिया में उनको दिखाएंगे, तो वो आपको पैक्ड चीज़ दे देंगे। तो अब आप यहाँ पे सेटअप देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग में सारा सेटअप लिविंग एरिया का बना हुआ है, कि आप लिविंग एरिया कैसे बना सकते हैं। और इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे आइडियाज़ दिए हुए थे, और प्रॉपर मतलब डेकोरेट करके, कि इवन फ्रेम्स के साथ, क्लॉक्स के साथ, कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ आगे आके आपको डिफरेंट सोफ़ा आइटम्स मिल जाते हैं, कि सोफ़ा कौन से कलर में, किस कलर में आपको चाहिए, लेदर में चाहिए, फैब्रिक में चाहिए, हर किस्म का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है कि फिर लो कॉस्ट से लेके हाई कॉस्ट तक हर बंदे के लिए यहाँ पे आपको चीज़ अवेलेबल मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सब हाई कॉस्ट थे, कुछ लो कॉस्ट थे, कुछ हाई कॉस्ट थे। तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी रेंज को देखते हुए यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा हॉस्पिटल एरिया सा बना हुआ था, रूम सा, कि भैया आप ये वाला बेड और ये वो, यहाँ पे आपको हर चीज़ के साथ ना प्राइस टैग नज़र आएगा। ये साइड टेबल के साथ भी प्राइस टैग है, ये हर चीज़ उन्होंने सेल पे लगाई है, और साथ प्राइस टैग हर चीज़ के। इवन अगर आपको सोफ़े के ऊपर एक कुशन भी नज़र आ रहा है ना, तो उसका भी प्राइस टैग लगा हुआ होगा, कि आपको ताकि ईजी रहे प्राइसेस देखने में, हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। फिर ये आगे लिविंग एरिया की सारी जो सेंटर टेबल्स हैं उसके डिज़ाइंस थे, कि आप कौन सी टेबल कैसे रख सकते हैं, हर चीज़ का जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग में यहाँ रखी हुई थी उन्होंने। ये आगे आके आपकी कबर्ड्स थी, कि आप किस तरह की कैबिनेट्स और किस तरह का शू रैक और किस तरह वॉल जो है आप लगा सकते हैं, बुक रैक्स रख सकते हैं, डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे एक स्टैंड चाहिए था, तो ये एक बुक रैक सा था, खैर ये काफ़ी जो है वो बड़ा था, तो खैर ये भी मुझे पसंद था। और इसके साथ एक और जो है वो मीडियम सा पड़ा हुआ था, ये ब्लैक में भी और वाइट में। तो मैंने कहा कि मैं, क्योंकि मैं मेजरमेंट करके आई थी, जो मेरे पास स्पेस थी वो बिल्कुल इतनी थी जिस पे ये वाला फिक्स आ सकता था। तो हम पहले तो इसको डिसाइड कर दिया था हमने कि हम ले लेते हैं, लेकिन इसका एक ये प्रॉब्लम था कि आप वॉल पर जब तक इसको जो है ना, आपको नज़र आ रहे होंगे कि पेच लग के उसको वॉल के साथ माउंट किया हुआ है, अगर वॉल के साथ आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो वो ऐसे तो खड़ा हुआ है, लेकिन आप चीज़ें रखें, कुछ भी रखें, तो बच्चे हल्का सा भी अगर पुश करें ना, तो वो ऊपर गिरने का डर होता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मज़बूत नहीं होते जब तक आप इनको वॉल माउंटेड ना करें या वॉल का सपोर्ट ना दें। तो खैर यहाँ पे ये शेल्फ के सारी डिफरेंट डिज़ाइंस लगे हुए थे, कोई लॉन्ग थी, कोई शॉर्ट थी, जिस तरह की विड्थ लेंथ आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बस हम वही अपनी मेजरमेंट देख के यहाँ से शेल्फ ले देख रहे थे कि हमें कौन सी चाहिए, किस तरह की, क्योंकि मुझे एक दो शेल्फ लगवानी थी किचन में। तो यहाँ आगे काफ़ी डिफरेंट भी आइडियाज़ थे, एक कॉर्नर शेल्फ पड़ा हुआ था सब कुछ। तो वही बात है, यहाँ आप घुस जाएँ तो आपका थोड़ी थोड़ी देर बाद माइंड चेंज हो जाता है कि अच्छा नहीं, ये नहीं कर लेते, ये कर लेते हैं। तो हम लोग का कोई 3 घंटे जो है ना बस ये डिसाइड, इवन हमें सिर्फ 3-4 चीज़ें ऐसी चाहिए थी, लेकिन हमारे 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि इतने ऑप्शंस थे कि कन्फ्यूज हो रहे थे हम लोग कि हमें क्या लेना चाहिए। तो जी ये आगे सारा किचन सेटअप था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो लोग ऑनलाइन सेटिस्फाई हो जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो अच्छी बात है, वो बहुत सारी ख्वारी से बच जाते हैं। मेरा जैसा बंदा फिर बहुत ख्वार हो जाता है, क्योंकि आप कुछ सोच के आए हैं और फिर आगे जब इतने ऑप्शंस आपको मिल जाए ना, तो आप थोड़े और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा किचन सेटअप हर किस्म का था। ये आगे किचन सेटअप है, पीछे उन्होंने स्टोरेज दिखाया हुआ है कि स्टोरेज आप ऐसे बना सकते हैं, पीछे बर्तनों के लिए सारी चीज़ें। और फिर यहाँ अंदर से ही एक वे था जहाँ आगे आपका डाइनिंग एरिया भी बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता उन्होंने बनाया था कि यहाँ आप अपने बर्तन का शोकेस है, यहाँ पे आपकी डाइनिंग एरिया है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा उन्होंने बनाया हुआ था। को फिर यही ख्याल आता है कि इंशाल्लाह जब भी अपना घर बनाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे डेकोरेशन करेंगे। तो बस मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला हर औरत को अपना घर ज़रूर दे के आप अपना घर बनाएं और अपने घर को अपनी मर्ज़ी की तरह सजाएं। यहाँ पे ये किचन सेटअप बहुत ही प्यारा सा लग रहा था और बहुत ही अच्छे कलर्स में था, थोड़ा मैरूनिश और ब्राउन को मिक्स करके उन्होंने जो है बनाया हुआ था। साथ में ही एक वो स्टडी टेबल सी भी दी हुई थी, इवन साथ कैमरा रखा हुआ था और साथ में था कि व्लॉगिंग वालों के लिए रखा गया था ये वाला सेटअप, क्योंकि वो शेल्फ पे कैमरा भी था और साथ ही एक जो है वो सिस्टम भी रखा हुआ था। एक ये किचन सेटअप था। तो यहाँ पे यह है कि आपको जो भी पसंद आता है आप वो आते हैं वहाँ से सिलेक्ट करें और वो आप उनको नीचे जाके दिखाएं, वो एज़ इट इज़ आपको होम डिलीवरी करवा के देते हैं, आपको बंदा भिजवा के वैसा सेटअप सारा किचन का करके दे देते हैं। तो जो लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं जिनके अपने घर हैं वो इसी तरह आईकिया से या होम सेंटर से या एस से कहीं से भी ऐसे ही सेटअप्स लेते हैं, उठाते हैं किचन के और वो ऐसे ही किचन बनवाते हैं अपने घरों में। किचन के सेटअप बहुत ही प्यारे थे, इसीलिए यहाँ हर औरत आके पागल हो जाती है। मर्द यहाँ पे जो है वो बोर हो रहे होते हैं और उनको अच्छा भी तब नहीं लग रहा होता ना कि उनकी जेब थोड़ी सी ढीली हो रही होती है। तो यहाँ पे इनका लिखा हुआ भी था कि लास्ट 3 ईयर्स से जो है ये बेस्ट किचन डिज़ाइनर की इनको कोई अवार्ड्स मिल रहे थे कि इनके डिज़ाइन बेस्ट हैं लास्ट 3 ईयर्स से। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कैबिनेट्स लगाई हुई थी कि आप किस किस्म का जिस कलर का सिलेक्ट कर सकते हैं आप वैसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे ये स्लैब के अंदर ही कटलरी का जो है ना आपको सेटअप दिया हुआ था। ये आइडिया भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेंटर स्लैब में ही आपका जो है ना अंदर कटलरी सेक्शन भी उसी के अंदर स्टोरेज दिया हुआ था। तो बस आगे ये जो है काफ़ी टेबल्स और स्लैब्स यहाँ पे भी लगी हुई थी और शेल्फ्स के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी ऑप्शंस थे। तो हम बस यहाँ पे भी देख रहे थे कि हमें कोई और पसंद आ जाए। थोड़ा सा फिर साथ आपको प्राइसेस देख के अपना बजट भी देखना होता है, आपको जितना बजट है आपका पास तो आपको उस हिसाब से ही वो चीज़ लेनी होती है। और यहाँ पे फिर आपके रेंटेड हाउस होते हैं तो इतना आपका लगाने का दिल तब नहीं करता कि आपको कभी भी जब अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के, मतलब आप बड़ी बड़ी चीज़ें तो ले जा सकते हैं लेकिन उस टाइम इतना सामान होता है कि फिर आप यही सोचते हैं कि बस यहाँ पे ही छोड़ के चले जाएं। बस यहाँ पे करते करते हमें यहाँ पे टूल बॉक्स भी नज़र आ चुके थे जो कि हम काफ़ी टाइम से जो है ना बस ढीले ही पड़े थे कि हमें लेना है। और घर में हमें अक्सर चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं जो फिर हमें नीचे सिक्योरिटी वालों के साथ जो मेंटेनेंस वाले होते हैं उनसे मांग के लानी पड़ती है। तो फाइनली आज हमने ये टूल बॉक्स भी ख़रीद लिए थे कि घर में छोटे छोटे कामों के लिए जो है ना हमारे पास होने चाहिए हैमर और ये सारा कुछ। तो यहाँ पे ये स्टडी रूम का सेटिंग का एरिया है, यहाँ पे सारी आपको स्टडी टेबल्स, स्टडी चेयर्स, ऑफिस की सेटिंग कुछ भी आपने जिस तरह से भी करनी है वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये हर थोड़ी थोड़ी बाद सेक्शंस चेंज होते हैं, लिविंग रूम था, फिर किचन एरिया था, अब ये स्टडी रूम्स और ऑफिस सेटिंग के लिए सारे है आइटम्स हैं। तो बस फाइनली हमने इस ट्रॉली पे जो है वो हमारा इत्तेफाक हुआ मेरा और मेरे हस्बैंड का कि हम ये ले लें क्योंकि इजी टू मूव है और जो है ना इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस भी थी। तो हमने बस उसकी पिक्चर ले ली थी कि नीचे हम स्टोरेज में दिखा देंगे और बस फिर आइकिया में आ जाऊँ तो मैं कैंडल ज़रूर ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स मिल गई थी तो मैंने वो बाय कर ली। तो
बस आइकिया में फिर हम नीचे ही बस स्टोरेज में आए थे, बंदे ने हमें चीज़ें दी और 2-3 घंटे हो चुके थे, बहुत थक गए, बस हम पे करके निकल आए थे। फिर उसी के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने केयरफोर था, तो हम केयरफोर, हमने कहा अपनी जो वीकली ग्रोसरी करनी होती है मैं वो भी कर लूँ, तो हम आगे थे केयरफोर। यहाँ पे मोबाइल सेक्शंस में जाके मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए थी, तो मैं वो ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे जो है ना वो हैवी हो रहा था और काफ़ी स्टोरेज जमा हो रही थी, तो मैंने सोचा एक हार्ड ड्राइव ले लूँ कि सारा स्टोरेज मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ। तो जी यहाँ पे अब केयरफोर में आज क्योंकि दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और क्रिसमस आने वाली है, तो यहाँ पे ये है कि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो हर फेस्टिव के हिसाब से वहाँ चीज़ें अवेलेबल होती हैं और उस तरह की सेटिंग होती है। तो अब केयरफोर में क्रिसमस सेटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो जी बस मैंने जल्दी जल्दी ग्रॉसरी की। ये मेरी थोड़ी सी वीकली ग्रॉसरी होती है जिसमें थोड़े फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग्स और दूध वगैरह होते हैं, तो बस ये मैंने ले लिया और बस फिर हम निकल आए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम कोई 4:30-5 बजे आए थे और इस टाइम पे रात की जो है ना वो 9:30-10 हो रहे थे जब हम इस टाइम पे इस मॉल से निकल रहे थे। हम यहाँ से निकल आए थे और फाइनली बस फिर हमें भूख लगी हुई थी, तो हम आ चुके थे एक रेस्टोरेंट, हांडी एंड कबाब। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सिंपल खाने हैं लेकिन जो है काफ़ी अच्छा पाकिस्तानी टेस्ट है। अगर आपने ट्राई कभी करना हो जो मुझे यहाँ कहीं से देखते हैं, तो हांडी कबाब अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो बस हमने काली मिर्च की कढ़ाई मंगा ली थी, चिकन कढ़ाई, बिरयानी राइस, ये मिक्स ग्रिल हमने मंगाया था, उसके साथ ऐसे ही हमें साथ सर्व किया उन्होंने, और साथ में थी ये माश की दाल। माश की दाल कलर से कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी, और ये सिज़लर में गर्म गर्म हमारा मिक्स ग्रिल आ गया था, तो खाना बहुत मज़े का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इन्जॉय किया, खाना सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था, हम सबको काफ़ी पसंद आया था। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीकेंड का व्लॉग, यही था मेरा वीकेंड, ऐसे ही हम वीकेंड स्पेंड करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह के मज़े के व्लॉग आप तक आते रहें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।